नमस्कार प्रणाम मित्रों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे मक्का में होने वाले रोगों के बारे में। जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश निश्चित रूप से किसानों के लिए एक सुहाना मौसम होता है और किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी भी होता है, लेकिन वो अपने साथ में कुछ फसलों के लिए कुछ रोग भी लेकर के आता है। जैसे मक्का के फसल में होने वाले कुछ रोग बारिश के वजह से ही होते हैं। निश्चित रूप से बारिश के वजह से मक्का में पानी किसान को नहीं देना पड़ता है बरसात के मौसम में, लेकिन जो रोग बरसात के मौसम में मक्का के खेतों में आता है उसके बारे में किसान को सोचना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से उस रोग से निदान पाया जाए, किस तरह से छुटकारा पाया जाए। तो आज हम उन्हीं रोगों के बारे में बात करेंगे कि कैसे किसान बंधु अपने मक्का में होने वाले रोगों को रोक सकते हैं और अपने मक्का का अच्छा पैदावार कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं कि इस हम मक्का की फसल में अगर कुछ जो मक्का के महत्वपूर्ण रोग हैं, जैसे कि तना छेदक कीट हो गए, सूत्र कृमि कीट हो गए, दीमक हो गए, इन सब कीटों की रोकथाम कैसे करेंगे। तो अगर आपके मक्का में तना छेदक कीट, जिसको इंग्लिश में स्टीम बोरर बोलते हैं, अगर लग गए हैं तो उसके लिए किसान बंधु को रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना पड़ेगा और उनको क्लोरीट्रानिलीप्रोल 18.5% दवा, जिसका 6 ml पर टैंक में आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 6 ml पर टंकी के हिसाब से आप अपने खेतों में स्प्रे करेंगे, तो उससे तना छेदक कीट निश्चित रूप से आपके खेत से कोसों दूर चले जाएंगे। या फिर आप कोराजन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोराजन 6 ml पर टंकी के हिसाब से आप अपने खेतों में डालेंगे तो आपके मक्का के लिए अत्यधिक लाभकारी भी होगा, उसको पौष्टिक भी देगा और साथ में जो तना छेदक कीट के साथ अन्य कीट भी आपके मक्का में लगे होंगे वो भी पूर्ण तरह से नष्ट हो जाएंगे, पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा इसमें जो रोग लगता है या फिर कीट लगता है वो होता है सूत्रकृमि, जिसमें जड़ सूखने लगते हैं, तो इसके लिए किसान बंधुओं को अपने मक्का की खेती करने से पहले ही, जब मिट्टी की तैयारी कर रहे हो उसी वक्त उसमें ट्राइकोडर्मा डाल देना चाहिए, जिससे ये रोग नहीं आते हैं, या और उसके साथ में फोरेट जरूर मिला देना चाहिए। और मित्रों, दीमक जो आम समस्या है, किसी भी फसल में ये दीमक आसानी से लग जाते हैं, इसके लिए किसान बंधु को करना क्या चाहिए कि इनको क्लोरोपायरीफॉस की मात्रा 6 ml पर टंकी के हिसाब से अपने खेत में या तो स्प्रे कर देना चाहिए या फिर आप 0.5 liter पर एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में इसको डाल करके और ऊपर से पानी छोड़ देना चाहिए, जिससे दीमक की समस्या पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात करें हम, इसमें एक रोग लगता है तना गलन का, जिसमें इसका तना गलने लगता है और मक्का सूख जाती है, किसान को काफ़ी ज़्यादा क्षति होता है। इसके लिए भी किसान को बुआई से पहले ही अपने खेत में पोटाश की मात्रा देनी चाहिए, 2 kg पर कट्ठा के हिसाब से पोटाश किसान को अपने खेतों में दे देनी चाहिए। और अगर फसल उग गई है उसके पश्चात इसमें तना गलन रोग की समस्या दिखाई दे रही है तो किसान बंधु को COC 1 liter में 3 ml की मात्रा मिला करके और खेत में स्प्रे कर देनी चाहिए, उससे काफ़ी हद तक मक्का को फायदा मिलेगा और तना गलन की समस्या से किसान को छुटकारा मिलेगा। और इसमें एक रोग होता है झुलसा रोग, जिसमें पत्ते में धब्बे पड़ जाते हैं, पत्तों की जो हरियाली है वो फीकी पड़ने लगती है और पौधे झुलस करके सूखने लगते हैं। इसके लिए भी किसान को 1 liter पानी में 1 ml ट्रेसकोमिम 44.3% की मात्रा मिला करके और खेत में स्प्रे करनी चाहिए, इससे किसान बंधु को झुलसा रोग से निजात मिलेगा। या फिर किसान बंधु को इसके लिए भी COC का प्रयोग करने से मक्का में झुलसा रोग की समस्या से निजात मिलेगी और किसान बंधु को काफ़ी अच्छा रिजल्ट COC का देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा पैदावार किसान बंधु इस हिसाब से अपने मक्का में कर सकते हैं। तो ये रही मक्का संबंधित कुछ रोग के उपचार और उसके इलाज, कैसे उसके रोकथाम करें। इसके अलावा एक और समस्या मक्का में आता है जो होता है अनचाहे घासों की समस्या, उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि किसान बंधु को जब मक्का 30 से 35 दिन का हो उस वक्त एक निराई करवा देनी चाहिए, क्योंकि निराई सबसे पुरानी और सबसे बढ़िया कारगर उपाय है
मक्का के खेत से अनचाहे घासों को हटाने के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। तो एक बार फिर से मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। देखते रहिए यूथ एग्रीकल्चर, और याद रखें, देश के जवान और देश के किसानों का सम्मान हमेशा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।